Assalamu alaikum, you all adorable people there, and Huma Tahir, and you're watching my YouTube channel to be adorable. तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ Essence hashtag Insta Perfect Liquid Makeup Foundation का रिव्यू. मैंने Instagram पे पोस्ट शेयर की थी कि क्या आप चाहते हैं मैं इसका रिव्यू करूँ, तो मुझे बहुत ही पॉजिटिव व्यूज़ मिले, तो मैंने सोचा चले इसका रिव्यू करते हैं. ये एसेंस का कुछ अर्सा पहले लॉन्च हुआ प्रोडक्ट है. एसेंस के प्रोडक्ट वैसे भी काफ़ी कूल होते हैं, तो आइए इसके बारे में कुछ जो मेन पॉइंट्स हैं वो डिस्कस करते हैं. ये क्लेम करता है कि ये स्ट्रॉन्ग मैट इफ़ेक्ट देता है, वाटरप्रूफ है और बिल्डेबल कवरेज है. तो ये क्लेम करता है कि स्ट्रॉन्ग मैट इफ़ेक्ट है. यस, मैट इफ़ेक्ट है, लेकिन स्ट्रॉन्ग मैट इफ़ेक्ट नहीं है. आपका फेस ऑयली नहीं लगता, मैट लगता है, लेकिन बिल्कुल डेडली मैट नहीं लगता, बल्कि ऐसे लगता है मैट होने के साथ साथ इसके ऊपर एक जैसे नेचुरल ग्लोई स्किन होती है. तो वाकई ये अपने इस क्लेम को प्रूव करता है. वाटरप्रूफ तो है और बिल्डेबल कवरेज है, लेकिन अगर आप इसकी एक से दो लेयर भी लगाएं तो फिर भी जो कवरेज है वो मीडियम रहती है, फुल कवरेज नहीं है. और इसका जो है टेक्सचर काफ़ी रनी है, जिस तरह मूज होता है या फाउंडेशन जो है थिक होता है, थिक नहीं है, मूज भी नहीं है, ये रनी कंसिस्टेंसी का प्रोडक्ट ही माना जाएगा, जो एक तरह से अच्छा है. आई थिंक मैं तो रनी कंसिस्टेंसी के जो भी प्रोडक्ट्स हैं मुझे हैंडल करना जो है ज़्यादा अच्छा लगता है उनको. आई थिंक मैं बेटरली हैंडल कर सकती हूँ, तो ये भी एक आई थिंक पॉजिटिव ही है इसका एस्पेक्ट, कोई इसमें नेगेटिविटी नहीं है. स्मेल जो है इसकी वो थोड़ी सी इरीटेटिंग है, इतनी इरीटेटिंग नहीं है लेकिन थोड़ी बहुत इरीटेटिंग है. जहाँ तक प्राइस और क्वांटिटी की बात है तो मुझे ये पाकिस्तानी 1125 रुपीस का मिला है. मैंने इसे चेज़अप से परचेज़ किया है. तो और ये क्लेम करता है कि इसके अंदर जो है ना 30 ml नेट प्रोडक्ट है. ये बहुत ही टीनी टाइनी सी बॉटल है, लेकिन कंपनी चूँकि क्लेम करती है कि इसमें 30 ml नेट वॉल्यूम है तो डेफिनेटली होगा. और 1125 में इतनी अच्छी क्वालिटी का जो प्रोडक्ट है, जितनी जिस तरह की इसकी कवरेज है, जिस तरह का इसका लुक है, बिल्कुल केकी पेकी नहीं लगता. आई थिंक उस हिसाब से हैट्स ऑफ टू एसेंस के उन्होंने एक अच्छा और काफ़ी रीज़नेबल प्रोडक्ट, क्वालिटी के हिसाब से अगर आप देखें तो काफ़ी रीज़नेबल प्रोडक्ट लॉन्च किया है. इसमें जो है वो 9 शेड्स अवेलेबल हैं और मेरा शेड्स जो है वो 40 है. जो इनके शेड्स हैं वो उनके नाम जो है वो कुछ इस तरह से हैं. 1 है कूल पोर्सिलिन, 2 है वेरी वनीला, 3 है फनी आइवरी, 4 है प्रीटी बेज, और जो शेड नंबर 5 है वो है परफेक्ट हनी, देन 6 इज़ क्रेजी कैरमल, 7 इज़ स्वीट आलमंड, 8 इज़ हॉट चॉकलेट, एंड द 9th इज़ लवली मोशा. काफ़ी यमी किस्म के नाम हैं. ओपिनियन इसके, अगर मुझे कोई कहे कि मैं एसेंस की हैशटैग इंस्टा परफेक्ट लिक्विड मेकअप फाउंडेशन को यूज़ करूँ तो आई विल से यस, थम्स अप टू देम. 1125 की ज़रूर है लेकिन क्वांटिटी 30 ml है, और आप जो रिजल्ट्स देखेंगे ना मतलब अमेजिंग हैं. और आप अभी जनरली भी देखें कि जो भी फाउंडेशन जो हैं वो अवेलेबल हैं वो राउंड अबाउट इसी रेट में है, शायद इससे भी ज़्यादा एक्सपेंसिव है. तो जो ये क्वालिटी है, जो ये टेक्सचर देती है, उसके हिसाब से आई थिंक प्राइस आर जस्ट परफेक्ट. तो मेरी तरफ से तो इस फाउंडेशन के लिए थम्स अप है. आप लोग इस फाउंडेशन को ट्राई करें, मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको इस फाउंडेशन के रिजल्ट्स कैसे लगे. इसी तरह के किसी और ज़बरदस्त से प्रोडक्ट के रिव्यू के साथ हाजिर होंगी. टिल देन अल्लाह हाफिज़.